सबसे पहले आप सभी प्यारे दर्शकों को न्यूज़ 9 लाइव टीवी परिवार की तरफ से धनतेरस व दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे यूपी के जनपद सीतापुर की, जहां सीतापुर से महज 30 किलोमीटर दूर लहरपुर के प्राचीन शिवाला मंदिर नगर के पाटन दीन चौराहे के पास बना है। इसका निर्माण लगभग आज से 250-300 वर्ष पहले हुआ था, मगर आज उसी मंदिर के पुजारी खुद दूसरों से पैसे मांग कर शिवाला मंदिर की पूजा करता है। वहीं पुजारी की मां भी सुबह शाम शिवलिंग की पूजा आराधना करती नजर आती है। क्यों कोई इस मंदिर के नाम पर दान पत्र में धनराशि नहीं देता, या यूं कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस प्राचीन मंदिर पर नजर ही नहीं पड़ी। टीम न्यूज 9 लाइव टीवी सीतापुर। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मंदिर कब से बना है और लगभग आपकी उम्र कितनी, जरा मैं आपसे पूछना चाहूँ आपकी उम्र कितनी है? 90 साल की उम्र। मेरे ददिया ससुर ने बनाया, मेरे मालिक पूजा करते थे, जब से खत्म हो गए तब से मैं कर रहे हैं। ये बाबा जी जो है लड़का, ये गुजरात चले गए थे, ये हैं थे नहीं, दो लड़कियाँ हैं, एक है बीमार, एक ये देखो। लगभग कब से आप यहाँ पर पूजा कर रही हैं और क्या आसपास के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं मंदिर पे? दो चार जने आते हैं जिसकी इच्छा होती है, बाकी कोई सहयोग ही मैं नहीं भैया। अच्छा, किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है? बेटा है। अच्छा, हमारे पास इतना है ना भैया, हम झूठ रहे हैं। अच्छा, लगभग आपको ये पता है कि मंदिर कब इसका निर्माण हुआ था? नहीं बेटा, इसका 300 साल पूरे हुए हैं। अच्छा, सास को भी नहीं पता है। अच्छा, यानी ये जो है बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। ये हमारे ददिया ससुर ने मनवाया था। अच्छा, हमारे ससुर के बाप ने। अच्छा, यहाँ का क्षेत्रीय कोई भी आकर के इस मंदिर की मरम्मत कभी नहीं करवाया? नहीं भैया, नहीं। ये चंदा उंदा लेके एक बार टूटी थी इधर के चक्कर, तो इनके पापा जिन्ना थे तो चंदा जहाँ तहाँ से आपको अद्भुत से बनवा लिया था। ये बात तो जो आप इसको रोजाना नहलाते धुलाते हैं, क्या आसपास के जो लोग रह रहे हैं क्या वहाँ पे आकर के मंदिर में इसकी पूजा आराधना करते हैं, या फिर जो क्षेत्रीय लोग हैं क्या इसकी मरम्मत करवाने के लिए कोई योगदान देता है? नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं, कोई कभी नहीं। पूजा करने दो चार जने आते हैं। लगभग कब से ऐसा करने आते हैं? दो चार लोग अगल बगल के, लेकिन कोई सहयोग कोई नहीं। अच्छा, वैसे आपके मतलब आप क्या चाह रहे हैं अपनी जनता से, या जो हमारा चैनल देख रहे हैं उनसे, उनकी मदद से, हमारे चैनल की मदद से आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हम सर ये चाह रहे हैं कि यहाँ मरम्मत हो जाए, इसका रंगाई पुताई हो जाए, घंटा घर 8 बजे आनंद कीर्तन भजन हो। हाँ, हम तो काफ़ी दिन चले गए थे बाहर, यहाँ थे नहीं। पहले यहाँ कजरी तीज का मेला लगता था, जन्माष्टमी झांकी होती थी, 6 दिन 7 दिन बड़ा धूमधाम से खूब मनाया जाता था। हम थोड़ा विवाह करने चले गए थे बाहर, तो यहाँ सब अपनी अपनी में सब लगे हुए हैं चारों तरफ, इनके बारे में कोई नहीं, आज तक देखता तो कुछ ना कुछ हो जाता। अच्छा, वैसे आपके अनुमान से ये मंदिर कितना पुराना होगा? ये लगभग 200 साल पुराना है, लगभग ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, 300 साल कम से कम। यानी यहाँ पर कोई भी क्षेत्रीय विधायक या नेता कोई भी आज तक नहीं आया है इसकी मरम्मत के लिए, या कोई अपना छोटा सा योगदान दे, या कोई इसका ट्रस्ट इस तरीके से चल रहा हो? नहीं, नहीं, दान पात्र टाइप में कुछ भी नहीं चल रहा? नहीं सर। अच्छा, तो इसकी पूजा में जो खर्च आता है वो कौन करता है? इधर उधर से रहते हैं सर, धूपबत्ती पूजा पाठ, हम आप आ गए तो आप, कोई आ गया कहीं। अच्छा, परमानेंट कोई नहीं जो, कोई सहयोग नहीं, बाकी जो है ईश्वर सहारे चल रहा है। बस बस, लोगों की आस्था की महिमा से, लोगों की आस्था इस पे से जुड़ी हुई नहीं दिख रही? नहीं सर। अच्छा, तो आप क्या जो इस वक्त जो हमारे दर्शक इस चैनल को देखेंगे, इस चैनल के माध्यम से आप अन्य लोगों को इस मंदिर के बारे में क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे हम करते हैं सर, सहयोग किया जाए, इसका निर्माण कराया जाए, मरम्मत करवा दिया जाए, रंगाई पुताई बढ़िया, पूजा पाठ होती है, कीर्तन भजन रोज होते रहे, दिया बत्ती होती रहे, सहयोग सबसे चाहते हैं सब हो जाए। चलिए ठीक है, खाना पूछना चाहेंगे कि ये जो मंदिर आपके घर के कुछ दूरी पे एक शिवाला मंदिर बना है, उसके लोगों का रुझाव नहीं हो पा रहा है, और खासकर जो हिंदू समाज के लोग हैं उनका भी बिल्कुल कोई दायित्व तो नहीं बन रहा है कि उस मंदिर पे दिया या बत्ती, उसकी साफ सफाई करना, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा कहना ये है कि चूँकि मंदिर एक आस्था का रूप होते हैं, तो हम किसी भी धर्म के हों, हमारे चूँकि हिंदू धर्म में मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम पूजा करने जाते हैं, तो उनका अगर उस पर कोई ध्यान नहीं देता है तो ये अपने पूरे हिंदू समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। हम लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हिंदू समाज के जो सारे मंदिर हैं जहाँ अपने आराध्यों को पूजते हैं, अपने देवताओं को पूजते हैं, और ख़ास तौर से जो ये प्राचीन मंदिर हैं जो हमारी विरासत हैं, ऐतिहासिक विरासत हैं, इनको हमें रख रखाव करके इनको ठीक से ध्यान रखना चाहिए, और समाज को आगे बढ़ के आना चाहिए कि ताकि इनका रख रखाव ठीक से कर सकें और इनको हम ठीक तरह से संचालित करा सकें।
चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस मंदिर के लिए उनका रुझाव या उनकी नज़र कैसी है? मैं तो सिर्फ यही सुझाव देना चाहूँगा कि जो इस तरह की सिर्फ यही मंदिर नहीं, और भी जो मंदिर हैं, हम तो चाहेंगे कि और मंदिरों के लिए हमारा हिंदू समाज के लोग आगे निकल कर आएँ और उन मंदिरों के पुनरुद्धार में और उनके जीर्णोद्धार में अपना बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें, ताकि जो हमारी ये ऐतिहासिक विरासत है, जो हमारे कस्बे की जो ये बहुत बहुत प्राचीन मंदिर है, जो जिनका इतिहास 200 से 300 साल पुराना है, तो उनके बारे में हम अपनी जिम्मेदारी का, आध्यात्मिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। तो इस प्राचीन मंदिर के लिए अगर जो योगदान की बात आए तो यहाँ पे आप अपने स्तर से आप क्या कर सकते हैं? जब भी कोई इस तरह की बात आती है, जिस तरह का मंदिर की कोई आती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं अधिकतम हो सकूँ मैं वह कर सकूँ और लोगों को प्रेरित करूँगा कि इसमें आके कुछ अपना योगदान करें। धन्यवाद। आपके घर से चंद कदमों पर एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, शिव जी का मंदिर है, तो उसकी काफ़ी दिनों से मरम्मत नहीं हुई हो रही है और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपका इसमें क्या कहना है, ये सही है या गलत है? आपने ये क्षेत्र का बहुत ही सही मुद्दा उठाया है। ये हमारे पड़ोस में ही एक प्राचीन मंदिर है जिसे हम लोग शिवालय के नाम से जानते हैं, और बहुत ही पौराणिक और ये प्राचीन मंदिर है जिसकी हालत अब काफ़ी जर्जर हो चुकी है। क्षेत्र के समस्त समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि जो ये हमारे धार्मिक स्थल हैं, इस तरीके जो प्राचीन हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, शिवालय हैं, इन पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। खास करके आज दीपावली का अवसर है, दीपावली पे हम लोग अपने घरों को सजाते हैं, दिवाली पे दिए जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, रंग रोगन करवाते हैं, लेकिन हम लोग जो ये प्राचीन मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हुए, मस्जिद हुए, इन लोगों की तरफ, इन धर्म स्थलों की तरफ हम लोगों की नज़रें नहीं जाती हैं। अच्छा नेताजी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जैसे योगी बाबा ने एक मुद्दा उठाया था सभी भी मंदिरों मस्जिदों के लिए या मंदिरों के लिए मैं कह सकता हूँ, तो उनको सजाने का आखिरकार उनका नज़रिया या जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका नज़र इस मंदिर, प्राचीन मंदिर पर क्यों नहीं जा रहा है? योगी जी ने जो भी कहा है ठीक है, उनका कहना सही है, वो कहाँ तक क्या करते हैं हम इस बारे में नहीं कह सकते हैं, आप जानते हैं उन्होंने कहा है, लेकिन उनके लोग यहाँ पे और जो शासन प्रशासन के लोग हैं उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस बात को हवाई उड़ा दिया गया। अब हम शासन और प्रशासन के भरोसे न रह के खुद जो समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समाजसेवी लोग हैं, हम लोगों को आगे बढ़ के इस काम को जो है करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। शासन प्रशासन कहाँ देखेगा, इससे जो भी हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, नगर के चेयरमैन हुए, विधायक हुए, माननीय सांसद जी हुए, इनसे मेरा एक आग्रह है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दें, धार्मिक स्थलों पे ध्यान दें, इनकी मरम्मत, रंग रोगन, सफाई। वैसे हरीश, मैं आपसे एक बात ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे लॉकडाउन की इस महामारी में जैसे आपने गरीबों को, भूखे लोगों को राशन मुहैया करवाया, उनकी व्यवस्थाएं अच्छी रखी, यहाँ से लगा करके जितने भी आसपास के जो प्रदेश हैं और यहाँ तक कि जो आज दूर दूर के जिले हैं, जनपद हैं, शहर हैं, वहाँ तक आपने राशन मुहैया करवाया है, तो आप अपने से इस मंदिर के लिए क्या योगदान कर सकते हैं या क्या किस तरीके से काम कर सकते हैं? हम आपको बताते हैं, हम इससे पहले भी, इससे पूर्व भी हम कहीं मंदिर में कोई हमसे दान लेने आता है, हम उसको दान भी करते हैं, मरम्मत के लिए पैसा देते हैं, मस्जिदों में हम लोग पैसा देते हैं, दरगाहों के लिए हम लोग पैसा देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे नगर के, हमारे क्षेत्र के लोग आगे आए, खास करके युवा लोग आगे आएँ, इस जिम्मेदारी को उठाएँ और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमसे जो भी होगा, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है, ये पैराड़ी के प्राचीन मंदिर है, शिवाला जिसको हम कहते हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आपने बहुत अच्छी बात उठाई है, हमें खुशी हुई कि आपने मीडिया के, अपने चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाने का कार्य किया, हम आपके आभारी हैं। और हमसे भी, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हमसे जो भी हो सकेगा हम इस प्राचीन मंदिर की रखरखाव में, सफाई में, देखभाल में, उताई में, कहीं भी जो भी ज़रूरत होगी हम पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और क्षेत्र के युवाओं, जनप्रतिनिधियों से मेरा एक बार पुनः आग्रह है कि वो इस मामले को देखें, आगे आए और इस प्राचीन मंदिर को, और जो भी यहाँ पे दरगाह है, ये लहरपुर की नगरी, यहाँ पे राम रहीम और हिंदू मुस्लिम संगम कहा जाता है लहरपुर की नगरी को, यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई बैर नहीं है, हम सब एक साथ रहते हैं। दीपावली के अवसर पर हम कहना चाहते हैं, लहरपुर की इस गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए, मैं हाजी जावेद अहमद, अगर इस शिवालय में कभी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कैसा भी सहयोग होगा, मैं तन मन धन से सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। आप लोगों से अपील करता हूँ, समाज के क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूँ कि वो लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। कहीं भी इस तरीके से कोई धार्मिक स्थल है, जीर्ण अवस्था में है, तो उसका जो है पुनरुद्धार कराया जाए, साफ सफाई कराई जाए और ऐसे धार्मिक स्थलों को का सम्मान किया जाए। ये हमारे पैराडिक, ये हमारे धर्म स्थल हैं,
हिंदू कहता है कि हमारे भगवान हैं, मुस्लिम कहता है हमारे खुदा हैं, तो ये हमारे घर हैं, हमारे घर नहीं, ये खुदा का घर है, ये भगवान का घर है। तो इनकी जिम्मेदारियाँ हम लोगों को लेनी चाहिए, इनका व्यवस्था सफाई और सजावट अच्छे से अच्छा हम लोग जिस तरीके से हम अपने घर में सजावट करते हैं उसी तरीके से दीपावली के अवसर पर या अन्य जो अवसर आएंगे हमारे त्यौहार पर्व आते उन पर उन अवसरों पर हमें इन सब चीज़ों की देखभाल करनी चाहिए। यही मेरी लोगों से अपील है।